एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं फिर एक मेकअप लुक करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं एज विजुअल कलर करेक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों के नीचे बहुत से हल्के हो चुके हैं। तो आज जो मैं लुक करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा ब्राउन लुक है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कलर है वो ब्राउन ही यूज़ होगा। सो इसका नाम ब्राउनी लुक रख लूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दबा के कलर करेक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि, और यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने फिर अपनी आवाज़ बंद कर ली थी क्योंकि मुझसे पंखा बंद करके मेकअप नहीं होता, मुझे बहुत गर्मी लगती है और पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी बातें कर रही थी। हाँ, अगर पता आप लिप सिंक को पढ़ सकते हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैंने क्या बोला। तो जितनी ज़्यादा मैंने कलर करेक्टिंग की उससे पता चल ही गया होगा कि मुझे कितने ज़्यादा हल्के पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट थोड़ा सा छुपा लेती है लेकिन फिर भी नज़र आ रहे थे मेरे। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया था और यहाँ पे मुझे याद है कि मैं यही बता रही थी यहाँ पे भी, और अपनी फाउंडेशन लेके अब मैं लगाने लगी थी। पहले थोड़ी सी फाउंडेशन ज़्यादा निकल आई थी और फिर मैंने इसको बैलेंस कर लिया और ये लो जी। तो चली मैं मेरे देवर की बारात लेके, लो चली मैं। एंड यहाँ पे मैं एक साइड कर ली थी, अभी मैं दूसरी साइड भी कर रही हूँ। जल्दी तो अच्छी बात है, इतनी देर एक ही साइड पे लगा रही हूँ। होए होए, तो मैं अभी कोने में बिना पंखे के बाहर सोवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ पर मैं अपने दाने को छुपाने की कोशिश कर रही थी जो कि साइड पे निकला हुआ है और वो फिर भी नहीं था छुप रहा। तो यूजुअली जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो उसको ब्लेंड करने के लिए मैं हमेशा शीशे में देखती हूँ। मैं हैंग हो गया, सॉरी। बाद में मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है तो इसलिए उसके लिए माफ़ करिएगा। बात तो कहते ही मेरी हर मेकअप की वीडियो में हैंग हो जाता है। अच्छा, तो ये मैं ब्लिंक बाय नादिया हुसैन की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसकी कवरेज तो ठीक है बट मुझे इसकी कवरेज से मसला भी नहीं था जब मैंने रिव्यू दिया था। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होती है और पानी की तरह बहती है, पानी की। तो अभी मैंने लाइट की सेटिंग चेंज कर दी थी, थोड़ा सा चिट्टा वाला कर दिया था। अभी मैं अपने फेस पर कॉम्पैक्ट लगाने लगी हूँ और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं कौन सी कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, जो कि आई थिंक जो मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है कि मैं एसटी का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आज बहुत ज़्यादा कम कॉम्पैक्ट यूज़ किया था क्योंकि मुझे था कि आज सारा कुछ पाउडर बेस है तो छोड़ो, इतना क्या लगाना कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मैं जीप जीप से अगेन मुँह बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना हाय ब्राउनजर कंटूरिंग ब्रश ले लिया, ब्राउनजर ब्रश और ये टूटी फूटी पैलेट क्योंकि, और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि इस जैसा कलर किसी में है ही नहीं किसी पैलेट में, जो कि बिल्कुल झूठा है, लेकिन मुझे सिर्फ यही पसंद है अपनी कंटूरिंग के लिए। ओह बाय द वे, मेरे हेयर स्टाइल को इग्नोर करना है, इस हेयर स्टाइल को मैंने तोती लुक दिया हुआ है। मेरे तोतों का भी, मेरे जो तोते हैं उनका भी बाल ऐसे ही होते हैं और मेरे भी पूरे दिन ऐसे ही बाल होते हैं और वीडियो में भी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि किसी की गंदे भी रंग है तो वो थोड़ा सा पीच ब्राउन वाला शेड लेके अपनी कंटूरिंग से कंटूरिंग करे, और अगर किसी का मेरा वाला रंग है तो वो ब्राउन कलर ले सकता है। तो बस मैं यहाँ पर यही बता रही थी, बस इतने आ रहे ना मुझे। एंड आगे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा यूं भी बना लेते हैं, मैं अच्छी लगूँगी, और पता नहीं मैं कैसी लग रही थी। अच्छा, नोज़ कंट्रोल भी मैंने कर लिया था या करना है मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता। अच्छा जी, अब बारी है ब्राउनजर की, और आप लोगों को पता ही है मैं क्रिस्टेन का यूज़ कर रही हूँ 02 शेड इसमें जो है, और आज आपको सही फ़र्क पता चलेगा। मैं एक साइड पे लगाऊंगी और एक साइड पे अभी नहीं लगा के दिखाऊंगी आपको, तो आप देखना कि कितना सॉफ्ट एक साइड हो जाएगी और दूसरी साइड काफ़ी हार्श नज़र आ रही है। सो ब्राउन्जर होना ज़रूरी है भाई। हाँ, तो फिर मैं नोज़ कंट्रोलिंग कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने नोज़ पर ब्राउन्जर लगाया है।
अच्छे से ब्राउन्जर लगा रही हूँ, चिन पे भी लगा रही हूँ, चिन पे मैंने गोल्ड ब्राउन कलर लगाने के बाद ही लगा रही हूँ, और फोरहेड पे भी लगा दिया। और यहाँ पे मैं गटर बटर बातें करी जा रही हूँ, और अभी मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, पर दम मैं बातें करी जा रही हूँ। शायद अभी मुझे गर्मी लग रही है, तो इसलिए ये मैं दिखा रही थी कि मैंने अपनी झोली में कितनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। ये नहीं है कि मेरे पास टेबल नहीं, टेबल साइड पे ही पड़ा हुआ था, पर उस पर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि जगह नहीं थी, और मैंने इस जगह अपने पास से रख लेते हैं, और मेरे से इसलिए हाथ उठाना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो निवाज के मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्लश वाला, जिसका शेड मिट चुका है, मुझे नहीं पता। इस बार मैं तो पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं जब इसको ऐसे टक टक करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा निकलता है, और एक साइड पर थोड़ा ज़्यादा ब्लश लग जाएगा, फिर मैं उसी ब्लश से ही सारा मुंह करूँगी, क्योंकि ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एंड तो मैं थोड़ा सा रह गया ब्लश, उसको मैंने आँखों के नीचे भी लगाया, और क्यों लगाया इसका मुझे खुद भी नहीं पता, बस ऐसे ही ब्रश फेर दिया बस। बस मैं बातें करी जा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो ब्राउन कलर से अपनी कंट्रोलिंग की थी, वही ब्राउन कलर अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ, और इसको ब्लेंड करने की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली कोशिश कर रही हूँ, और वो हो भी रहा है। थोड़ा सा बाहर निकल गया था, इसलिए मेरा मुँह ऐसा बना हुआ था कि हो, लेकिन हम हैंडल कर लेंगे, और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले डार्क कलर लगाया था अपनी आईज़ के कॉर्नर्स पे, ब्राउन कलर डार्क में लगाया था, और उसके बाद लाइट ब्राउन से मैंने ब्लेंडिंग की थी, मैंने कहा ये भी बता ही तुम। और यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग करी जा रही हूँ। यहाँ पे तो इसे फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ पे ब्लेंडिंग कर ली है। मैं आईज़ के नीचे थोड़ा सा लगा रही हूँ ब्राउन कलर, आई डोंट नो रियल आईज से ये ब्राउन कलर काफ़ी डार्क था, बट इसमें इतना डार्क नहीं आना था, तो फिर आगे जाके हमने जुगाड़ लगाया। ओके जी, यहाँ पे हम ब्राउनी हो चुके हैं। तो यही मैं बता रही थी कि रियल आईज से ये बहुत ब्राउन है, बट कैमरे में इतना ब्राउन नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने सीनों से पसीना हो गई। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लगाया है सिर्फ कैमरे के लिए, थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए, वरना मैं नहीं लगाती। और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को ब्लेंड भी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ब्रश को थोड़ा गीला करके लगाया था, तो ब्लेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बट हमने कर लिया, क्योंकि हम हैं खतरों के खिलाड़ी। अब भाई, तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि खतरों के खिलाड़ी किस किस में दिखे, क्योंकि मैंने देखा, मेरा फेवरेट है। हाँ, और यही मैंने अपनी आईज़ के नीचे लगा लिया है, अभी तक ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसलिए डरिएगा मत, क्योंकि मैं डर रही हूँ। हाय, यहाँ पे मैं आराम से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए कलर। और ब्लैक के साथ भी मैंने वही किया था, ब्लैक कलर को मैंने लगाया था, पर उसको ब्लेंड मैंने डार्क ब्राउन के साथ किया था, ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। अच्छा, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत मदद से पढ़ती हूँ, और फिर मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर अपनी आईज़ पे लगाया था, उसी ब्लैक कलर से मैं थोड़ी सी अपनी ब्राउज़ बना रही हूँ। मैं यूजली, अगर आपने मेरा मेकअप देखा है, तो ब्राउज़ नहीं बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। एंड याद आज सिर्फ बस इतनी सी बनाती हूँ मैं। मैं सिर्फ अपनी ब्राउज़ को फिल करती हूँ, और ये वाली जो मेरी साइड का है, जिसकी अभी मैंने बनाई है ब्राउ, इसको एक्चुअल बचपन में मेरा इसे कट लग गया था, तो वहाँ पे बाल नहीं आए हैं, तो उसका थोड़ा सा करती हूँ फिल, बस इतना ही। तो यहाँ पे हम ब्राउज बना के आ गए हैं, और इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया है, तो मैंने यूज़ की थी पैलेट रिवाज की 03 शेड। और यहाँ पे हम अब लाइनर लगाने लगे हैं, मेरा फेवरेट और सबसे डेंजरस काम।
आंख को देखें, देखें ज़रूर मेरी आंख को, तो मेरी आंख आगे से खुली है और पीछे से बंद है। तो मैं यूजली आगे से पतला सा लाइनर लगाती हूँ और पीछे से जाकर थोड़ा थिक लगाती हूँ ताकि मेरी आंख खुली खुली लगे। तो ये एक ट्रिक है अगर आपकी आँख भी सेम मेरी तरह है। इसलिए आपने ज़्यादातर तो मुझे देखा होगा कि मैं हैवी लैशेज लगाती हूँ और वो कॉर्नर्स पे जो होते हैं वो ज़्यादा ऐसे ठक करके होते हैं, क्योंकि मेरे थोड़ी सी पलकें भी बहुत कम है, मेरी गंजी पलकें हैं, गंजी पलकें। और मुझे शुरू से ही हैवी लैशेज लगाने का शौक था बचपन से, लाइक मेरे से नहीं वो पतली पतली नेचुरल आई लैशेज लगाई जाती। यहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ बड़े ध्यान से इत्मीनान से। यार मैंने लाइनर ट्यूटोरियल भी देना है बट नहीं दे रही, पता नहीं क्यों, क्या वजह है जो मैं अभी तक रुकी हुई हूँ। यहाँ पे पहले मुझसे लाइनर थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मेरे ये क्या हो गया, फिर हमने उसको ठीक किया और वो अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर हो गया। तो हमेशा लाइनें लगाते हुए अपनी सांस बंद रखें, मैं मजाक कर रही हूँ, सिर्फ मेरी सांस बंद होती है, आई डोंट थिंक सो सारे बंदों की सांस बंद होती है। तो यहाँ पे मैं आईलैशेस लगा के आ गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी इस आंख की आईलैशेस यूँ ऊपर सल्यूट क्यों कर रही है, और मैं इसको ठीक करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। और आईलैशेस लगाने के बाद तो हर बंदा ही खूबसूरत देखता है, बट मैं थोड़ी ज़्यादा लग रही हूँ क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रही थी, अब पता चल ही जाएगा आपको भी और मुझे भी। यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली आईलैशेस के नीचे की तरफ फैली हूँ ताकि नीचे हो जाए, और वो हो नहीं रही है क्योंकि मुझे खुद भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपनी आईलैशेस को ठीक करेंगे उतार के। ठीक हो गई, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा लाइनर कितना खूबसूरत लगे। अच्छा, जब भी आप लैशेज लगाते हैं तो लाइनर थोड़ा सा लंबा करके लगाया करें, ताकि लैशेज, अगर आप हैवी लैशेज लगा रहे हैं ताकि लैशेज के बाहर भी आपका लाइनर नज़र आए। इसलिए मैं ज़्यादातर लंबा लगाती हूँ क्योंकि मैं लैशेज भारी भारी लगाती हूँ। तो मैंने एसटी की जैस्मीन 03 लगाई थी, मुझे जैस्मीन आई लैशेज पता नहीं क्यों इतनी पसंद है, काशी की भी जैस्मीन पसंद है, एसटी की भी जैस्मीन पसंद है। यो यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गोल्ड शेड लगाया था जो कि मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रोज़ गोल्ड कलर लगाया था ताकि मिक्स एंड मैच हो जाए। और शायद यहाँ पे भी मैं यही बता रही हूँ कि गोल्डन कलर मेरे पे सूट नहीं करता है, मैं हमेशा रोज़ गोल्ड कलर लगाती हूँ या वाइट कलर लगाती हूँ। सो या एंड आई डोंट नो, मैं जब भी वाइस ओवर कर रही हूँ बीच में मुझे मैसेज क्यों आते हैं। और आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी नाक पे हाइलाइटर एकदम टक करके नहीं नज़र नज़र आया, हल्का हल्का आया। अच्छा जी, तो मैं लगा रही हूँ मेडोरा की लिपस्टिक इन शेड 022 22। ये रेड कलर की लिपस्टिक है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, मैं इतना ज़्यादा लगाती हूँ, पर अभी जो होगा ना मेरे साथ इतनी कोई बुरी लगेगी ना, ये मतलब पटाखा वाली रेड लगेगी। मुझे तो नहीं अच्छी लगी, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये वाली या बाद में जो आपको निकल आएगी वो वाली। यहाँ पर मैं बहुत कंसंट्रेशन लगा के अपने लिप्स बना रही हूँ। बाय द वे, मैं डोरा की लिपस्टिक के नीचे लिखा हुआ था कि मैच लिपस्टिक है, पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं। अच्छा, तो मैंने अब देखा कि ये बहुत ज़्यादा ही पटखा वाली रेड हो गई है, तो मैंने सोचा कि इसके बीच में थोड़ा सा मालूम कलर रेड कर देते हैं, पर ये उसके बावजूद ठीक नहीं हुई। ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही। मैंने हाँ, मैं देख के बस अपने दिल को कह रही हूँ कि नहीं नहीं सारा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, जबकि मुझे पता था कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे
मेरी ओके की इतनी जोर लगा के ओके बोलने का आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मतलब बोल रहे हैं ओके ये क्या कर दिया मैंने, ये लिपस्टिक कौन सी लगा दी मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ और अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लिपस्टिक पहुँच के बिल्कुल लाइट पिंक कलर की कर ली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेड लग रही थी। और यहाँ पे भी मैं यही बता रही हूँ कि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा रेड लग रही थी। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आपको मेरे ये लुक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मेरी मेहनत का फल यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक एंड कमेंट कर दें, कमेंट्स तो आप कर ही देंगे। तो दैट्स एक फर्दर ब्लॉग, कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।